हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं दीपक कुमार ब्लॉग। अभी इस वक्त मैं जा रहा हूं अपनी गाड़ी में नंबर प्लेट फिट करवाने, जो कि 3-4 महीने हो गए मुझे लिए हुए। नंबर प्लेट गाड़ी आने से पहले आ गई थी पुणे से, तो आज फाइनली सोचा है कि नंबर प्लेट लगवा लिया है, तो चलो चलते हैं, निकलते हैं घर से पहले। तो हमने चेक कर लिया है नंबर प्लेट गाड़ी के डिग्गी के अंदर रखी हुई है, हमने ट्राईपॉड भी रख लिया है, और नाउ वी हैव टू गो। सामने वाले घर के पेड़ कट रहे हैं, लोग हेलमेट में कैमरा लगा हुआ देखते हैं तो पता नहीं क्या सोचते हैं यार। क्योंकि यहाँ पे ये चीज नॉर्मल नहीं है अभी, और जहां तक मुझे पता है अभी तक मैं ही दिखाऊंगा अभी तक हेलमेट में कैमरा लगाया पूरे जाती में। कि मैं मोटो ब्लॉग करता हूँ यहाँ पे, वो भी बहुत कम। अभी कल बारिश हो रही थी, अब बादल है, हवा भी अच्छी अच्छी लग रही है, लेकिन कभी कभी धूप निकल जा रही है, इसलिए मैंने वाटरप्रूफ फ्रेम लगा रखा है अभी भी मेरे कैमरे पे, इनकेस अगर बारिश होती है तो मैं कहीं रुकूंगा नहीं, चलता जाऊंगा। मैंने नंबर प्लेट मंगवा ली थी ऑनलाइन एक्चुअली, तो HSRP है इसका, मतलब इस नंबर प्लेट को HSRP बोलते हैं सिक्योरिटी। इसको आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन bookmyhsrp.com से। आप अगर नॉर्मली आप गूगल पे लिखोगे bookmyhsrp तो वेबसाइट खोल के आ जाएगी, फर्स्ट नंबर पे ही है। आप उस पर क्लिक करोगे, अपना सिटी या स्टेट सेलेक्ट करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे गाड़ी का अपना, और कुछ इंफॉर्मेशन मांगते हैं, जैसे चैसी नंबर मांगते हैं कभी कभी, तो अपना नहीं चैसी नंबर नहीं, गाड़ी नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसके बाद आपको 350 रुपीज पे करना पड़ता है। मेरा एक्टिवा के लिए 350 रुपीज भी लगा था, बाकी गाड़ियों का आई डोंट नो, शायद सबका ही 350 है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है उसके पास रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड है, उसने भी बुक किया था, तो उसको भी 350 ही लगा था, तो आई गेस 350 ही चार्ज हो जाए, वो आपको ऑनलाइन पे करने पड़ेंगे, आपकी HSRP बुक हो जाएगी। आपके नियरेस्ट जो आपका गाड़ी का शोरूम है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, और आने वाले टाइम पे तो ये कंपलसरी भी हो जाएगा, क्योंकि जो जिस हिसाब से अपने यूपी में तरक्की चल रही है, कैमरे लगे हुए हैं, ऑनलाइन चालान कटना स्टार्ट हो जाएंगे, अगर किसी की गाड़ी पे HSRP नहीं लगा होगा तो नॉर्मल जो पुलिस खड़ी रहती है वो चालान काट देगी आपका, तो इसलिए HSRP अवश्य लगवाएं। जय वासुदेव, ओम नमः शिवाय। ओके, तो यहाँ पे भी अब खुदाई स्टार्ट हो चुकी है अब रोड के लिए, अगल बगल में कैंट है, और कैंट के बीच में से ये हाईवे जा रहा है। हमारे यूपी में एक दिक्कत है, सामने देख रहे हैं पुलिस जा रही है, नंबर नहीं है गाड़ी में, हेलमेट नहीं है सर पे, मास्क नहीं लगा रखा, और शाम को फिर यही खड़े हो जाते हैं, मास्क के लिए भी चालान काटेंगे, नंबर के लिए भी चालान काटेंगे, और आपका हेलमेट के लिए भी चालान काट देंगे। कुछ फॉल्ट है हमारे लॉ में, लॉ में कह सकते हैं या फिर किसी चीज में कह सकते हैं, मुझे नहीं पता। एक नॉर्मल इंसान के लिए मतलब देख के इतना बुरा लगता है, जबकि पुलिस वालों को तो डबल फाइन लगना चाहिए, क्योंकि आप तो लॉ की रक्षा के लिए बनाया गया है, आप ही तोड़ रहे। अक्सर यूपी में होता रहता है,
आजकल शाम को क्या होता है कि शाम को हर चौराहे में पुलिस खड़ी हो जाती है, मास्क के लिए चालान काटती है और हेलमेट के लिए चालान काटती है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अरे वाह अंकल हेलमेट ही उल्टा लगा रखा है। नहीं देखो यार, जब तक तो पुलिस रूल फॉलो नहीं करेगी तो लोग तो करने से रहे, और जिस दिन पुलिस रूल फॉलो करने लगी तो लोग को तो करना ही पड़ेगा। क्या जब मैंने डिसाइड किया था मेरी गाड़ी पुणे से आने वाली है तो मैंने उससे एक महीने पहले ही नंबर प्लेट बुक कर दिया था, पर मैंने सोचा था कि यहाँ से नंबर प्लेट लेके जाऊंगा और पुणे में ही लगवा लूंगा, लेकिन जिस दिन पुणे के लिए निकला नंबर प्लेट घर पे ही छूट गई और ये हेलमेट भी यहीं पे रह गया, जबकि हेलमेट लेके निकला था मैं घर से, अंकित के घर पहुंचा वहां पे रखा, वहां पे भूल गया मैं हेलमेट। उसके बाद इवान तो आपको पता ही है पुणे से लेके इंदौर तक मोटो ब्लॉग नहीं किया है मैंने, और जबकि वहां पे इतना सब इतनी प्यारी प्यारी जगह थी यार, सीरियसली बहुत ही ज्यादा मस्त जगह थी, बट नहीं करता है मोटो ब्लॉग, देखेंगे नेक्स्ट टाइम, एक्टिवा से नहीं जाएंगे लेकिन इस बार क्या पता जारी रखते भरोसा नहीं, लेकिन अपना टारगेट रहेगा रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड में तो कुछ भी हो सकती है, हिमालयन इंटरसेप्टर क्लासिक थंडरबर्ड, जिसमें से तीन बाइक है हमारे फ्रेंड सर्कल में जिसमें से हिमालयन नहीं है। अभी जो चौराहा निकला यहाँ पे पहले ट्रैफिक लाइट लगी थी वो तोड़ दी किसी ने, तब से लगी ही नहीं है यहाँ पे। अब हम आ चुके हैं जेल चौराहे पे, जेल चौराहे पे काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है अभी, और वायरस थ्री की लहर आ चुकी है सुनने में आया, और जाति में 11 केसेस आ चुके हैं कोरोना के, लेकिन फिर भी कोई मास्क लगाना कंपलसरी नहीं है अभी तक, दिन में शाम को तो जब पुलिस खड़ी हो जाती तो लोग लगाने लगते, अभी तो पुलिस वाले ही नहीं लगाते तो फिर दूसरों को क्या बोलोगे आप लोग। आज फ्राइडे है जब आप ये ब्लॉग देख रहे हैं तब सैटरडे लग चुका होगा, और हम यहाँ आ चुके हैं अपने नंबर प्लेट के लिए, अब हम यहाँ पे लगाएंगे अपने दोस्त को फोन, पंकज। हाँ पंकज कहाँ पे हो? तो हमारे दोस्त पंकज की तबीयत खराब है और हम करवाएंगे दूसरे भाई से काम, नंबर प्लेट लगवानी है। हाँ अंदर पहले ही ले गया था मैं, ले आऊं गाड़ी बता। ओके ये ले गया था मैं 4 महीने पहले। Thank you.